नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्जाम एक्सप्लोर इस चैनल पे। यहाँ पर हम आप बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में कैसे शामिल हुआ जाए। मुख्य रूप से टीजीटी पीजीटी की बात किया जाए, जिसमें ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत या टीजीटी में सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी भूगोल आता है, पीजीटी में भूगोल के प्रवक्ता के रूप में आप कैसे शामिल हो सकते हैं दोस्तों। तो इसमें सिलेबस आपको मालूम ही है, हम तो बस एक आपका थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए चर्चा कर लेते हैं कि जैसे इसमें हिंदी के प्रश्न, इंग्लिश के प्रश्न और शैक्षिक अधिगम के प्रश्न, साथ ही साथ आप जिस भी विषय से देने जा रहे हैं उस विषय के प्रश्न आते हैं। हम आप भूगोल विषय के प्रश्नों का एक क्विक रिवीजन कह लीजिए, जिसमें हम पूरे सिलेबस का एक मोटे तौर पर सारे टॉपिक को कवर करते हुए एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेशन का एक सत्र चलाने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें जो अपना कैरिकुलम है वो ये है कि आज तो पहला जो सेशन होगा इसमें सभी टॉपिकों से मिले जुले प्रश्न हैं। इसके बाद कल से हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में जब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपके सामने आएंगे। बीच में अगर आपकी इच्छा होगी कमेंट करिएगा, बीच में भी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट एक आध बीच में आ जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि हम आप अपने विषय के लिए ए टू जेड तैयारी कर सकेंगे और जब परीक्षा होगी तो वहाँ आप कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे। और प्रश्नों को कैसे टैकल करना है, कैसे देखना है, प्रश्नों में कहाँ गड्ढे होते हैं जहाँ गिरने के चांस होते हैं, उनको आप जानते रहेंगे तो उनसे बच सकेंगे, पहले ही निकले रहेंगे। प्रश्न कितने प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न में किस प्रकार से आपको आगे कैरी ऑन करना है, आंसर कैसे प्राप्त करना है, इन सब पर विशेष ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। और इसी शुभकामना के साथ आइए स्टार्ट करते हैं सफलता के इस पहले स्टेप चरण से। तो दोस्तों आज का ये पहला सेशन है केवीएस के लिए ज्योग्राफी। पहला प्रश्न है आज का, इसमें कंप्लीट सारे टॉपिक से मिले जुले क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी टेक्टोनिक प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है। दोस्तों जैसा कि आप पुराने पेपर्स देखेंगे, सबसे बड़ा गाइड होता है पुराने लास्ट ईयर पेपर, वही बताता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, कौन से टॉपिक्स कम प्रश्न देते हैं, उन्हीं आधार पर ये सारे प्रैक्टिस सेटअप के बनेंगे। और इसमें देखा जाए, जितना मैंने अध्ययन किया है कि फिजिकल ज्योग्राफी एक पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन रखता है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का नंबर आता है। फिजिकल ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कोई सा भी आप परीक्षा ले लीजिए उसमें उससे क्वेश्चन प्रायः रहेंगे ही रहेंगे, अवश्य रूप से रहेंगे और आसान क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप उस थ्योरी को समझ लिए हैं तो आप उस थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके जेब में रहेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी टेक्टोनिक प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स इज लोकेटेड बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक ओशन। तो दोस्तों टेक्टोनिक, टूजो विल्सन साहब ने प्लेट का नामकरण किया, प्लेट का नाम दिया। क्या प्लेट क्या होता है, जो हमारे पृथ्वी का ऊपरपट्टी का क्रस्ट का ऊपरी सतह का क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ऊपर पट्टी और ऊपरी मेंटल, जो अपर मेंटल होगा वो कैसा होना चाहिए, ठोस सॉलिड, अपर सॉलिड मेंटल, क्रस्ट तो सॉलिड है ये भाई, और अपर सॉलिड मेंटल भी उसमें मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपका लिथोस्फियर। लिथोस्फियर, लिथ मतलब होता है चट्टान, रॉक, लिथोस्फीयर, ठीक है, स्थल मंडल, इसको हिंदी में कहेंगे स्थल मंडल। अब ये जो स्थल मंडल बन गया, यह स्थल मंडल दोस्तों पूरा समूचा नहीं है, ये स्थल मंडल कई भाग में बटा हुआ है। जैसे अगर आपका इतना क्रस्ट है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ आपका क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के बाद अपर सॉलिड मेंटल भी आएगा, अपर सॉलिड मेंटल, ठीक, इस मेंटल का जो भाग है, जो ऊपरी भाग है, जो कि सॉलिड है, उसको अगर हम शामिल कर लेंगे
उसको हम इसमें शामिल करेंगे, उसको हम शामिल कर लें अपने सॉलिड वाले भाग में। इन दोनों को मिला के बात करेंगे तब क्या आएगा आपका, क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड मेंटल, इन दोनों को मिला के ऐड कर लिया तो यही आपका लिथोस्फियर स्थल मंडल बनेगा। क्लियर है? अब इस स्थल मंडल में कई भाग हैं मित्रों, यह एक समूचा नहीं है, ये कई भागों में बटा है, और इन्हीं भागों को स्थल मंडल के भागों को क्या नाम दिया गया, इसको दिया गया प्लेट। किसके द्वारा? टूजो विल्सन साहब द्वारा, टूजो विल्सन, है ना। बाद में हैरी हिस साहब आदि ने इस पे अध्ययन करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया, और इससे आपको प्राप्त होता है प्लेट टेक्टोनिक या थ्योरी, जो कि कई चीजों के बारे में बताता है। कई चीज में क्या शामिल होगा, आपके भूकंप के क्षेत्र, आपके ज्वालामुखी के क्षेत्र, वर्तमान में महाद्वीपों की जो स्थिति है कैसे बनी, भविष्य में क्या होने वाला है, अफ्रीका में एक छोटा महाद्वीप कैसे बनने जा रहा है, न्यूजीलैंडिया नाम का एक महाद्वीप की जो चर्चा हो रही है वो कैसे आ रहा है, ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स ही देता है। क्यों सुनामी आ रही जापान में, क्यों प्राय भूकंप आ रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स वो आंसर देता है दोस्तों। अब इसमें बात की गई कि जो प्लेट्स होते हैं, यह प्लेट वृहद होते हैं और लघु होते हैं, ठीक है। बृहद और लघु प्लेटों में यहाँ प्रश्न देखेंगे तो लघु प्लेटों के ऊपर क्वेश्चन आया है। फिलीपींस प्लेट भी लघु प्लेट है, अरेबियन प्लेट भी लघु प्लेट है, नाजका प्लेट भी लघु प्लेट है, और कोकोस प्लेट भी लघु प्लेट है। अब इन प्लेटों में फिलीपीन प्लेट कहाँ पर है? फिलीपीन प्लेट दोस्तों जहाँ मारियाना ट्रेंच, विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच, जिसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप, चैलेंजर खाई, पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर खाई, जो मारियाना ट्रेंच का सबसे निचला भाग है, वो कहाँ पर है? फिलीपींस प्लेट के पूरब में, अर्थात एशिया और प्रशांत महासागर के मध्य आपका फिलीपींस प्लेट आता है, ठीक है। एशिया और प्रशांत महासागर के मध्य ये प्लेट आएगी। दूसरी वाली अरेबियन प्लेट, ये कहाँ आती है इसकी बात किया जाए, अरेबियन प्लेट अरब कहाँ है, सऊदी अरब जहाँ देश है वहां पर जो प्लेट होगी उसका नाम होगा अरेबियन प्लेट दोस्तों, क्लियर है ना। तीसरा है नाजका प्लेट, नाजका प्लेट कहाँ पे आती है, नाजका प्लेट, यह प्लेट आपके नाजका, कोकोस और जुआन डी फुका, ये तीन प्लेट जो हैं यह आपके अमेरिकी महाद्वीप और प्रशांत महासागर के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न पे आते हैं, पुनः प्रश्न क्या पूछ रहा है, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य, अर्थात हमको मध्य भाग, अमेरिका का मध्य भाग देखना है, ठीक है। तो मध्य भाग में कौन सी प्लेट आ रही है, आपकी नाजका प्लेट आ रही है, जुआन डी फुका, नाजका, ठीक। अब यहाँ पर आंसर आपका मिल गया नाजका प्लेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा भूदृश्य पंखाकार रूप में पर्वतों के निचले भाग में बनता है, पर्वतों के निचले भाग में बनेगा और आकृति क्या रहेगी, पंख की तरह, पंख की तरह, ठीक। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज मेड इन द फॉर्म ऑफ फैन एट द लोअर मार्जिन ऑफ माउंटेन, पर्वतों के निचले भूभाग पे बनेगा और किस प्रकार बनेगा, पंख के आकार से बनेगा, बताएं आंसर जल्दी फटाक से। पहला है एल्यूवियल टेरेसेस, जलोढ़ सीढ़ी नुमा, जलोढ़ फ्लैट, एल्यूवियल फ्लैट, जलोढ़ सपाट, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंख, एलोरियल फैन, एल्यूवियल कोन, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों तो ऐसे ही आपको भ्रमित करने के लिए विकल्प दिया है, ऐसा भूगोल में कोई शब्द आप पढ़े ही नहीं होंगे, है ना। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंख दो चीजें आपने अध्ययन के दौरान देखे होंगे,
जलोर पंख और जलोर शंख में क्या अंतर है दोस्तों? सीधे से आप पकड़ लीजिए एफ और सी। एफ का तात्पर्य माइनर मैटर, माइनर मटेरियल, और जहां शंख कोण की बात आएगी, सी से क्या हो गया? कोर्सर मटेरियल, कोर्सर मटेरियल। फाइन मतलब हल्का, महीन। कोर्स मतलब बड़ा। ठीक, ये पतले छोटे छोटे पार्टिकल से जमा होंगे तो फाइन बनेगा, बड़े बड़े पार्टिकल से जमा होंगे तो कोण बनेगा। ठीक, एलुवियल कोण। और अब आप बताएं कि नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो वो हल्के चीज को, मैदान पर्वत पे ढाल है, ठीक, स्लोप पे तो नदी कुछ भी लेके बह जाएगी, लेकिन जब मैदान में पहुंचेगी तो नदी की शक्ति कम हो जाएगी, नदी निक्षेपित करेगी, डिपोजिट करेगी, क्या पहले करेगी, बड़े पत्थर कि छोटे पत्थर? ठीक, तो निश्चित तौर पे बड़े पत्थर को पहले डिपोजिट करेगी। तो पर्वत के स्लोप पे बड़े पत्थर पहले डिपोजिट हो जाते हैं, फिर उस छोटे। तो जो शंकु है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक। लेकिन जो पंख की बात करेंगे तो पंख में छोटे दूर तक जाएंगे तो पंख इस प्रकार से बनता है, ठीक। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका भाई, जो प्रश्न होगा उसी हिसाब से आंसर होगा, ठीक। प्रश्न है पंखाकार, तो सीधे सीधे पंख आपका आंसर यहीं से बन जा रहा है, लेकिन इसी बहाने दोनों चीजें आपने देख लिया। अंतर क्या है? एल्यूवियल फाइन, एल्यूवियल कोन में क्या अंतर है? जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु में क्या अंतर है? इनकी आकृति में क्या अंतर है? इनके मटेरियल कैसे होते हैं? ये भी आपको जानकारी मिल गई दोस्तों। क्लियर है ना? कोई डाउट हो पूछते रहिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बाह्य गमन मैदान की रचना होती है, तो दोस्तों प्रायः आप कोई भी साल का पेपर उठा के देखेंगे, जो भी एग्जाम में हो चुके हैं केवीएस के, आपको जरूर मिलेगा कि उसमें ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, स्थलाकृति पे क्वेश्चन जरूर से जरूर रहता है, ठीक है। अब बाह्य गमन मैदान एक स्थलाकृति है, की रचना होती है किससे? भूमिगत जल के द्वारा, हिमनद द्वारा, भूमिगत जल के निक्षेप द्वारा, डिपोजिशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। दूसरा है हिमनद द्वारा अपरदन से, इरोजन बाई ग्लेशियर। तीसरा है हिमजल से, जो ग्लेशियर पिघल के जल बनता है उससे, हिमजल से। चौथा है जल द्वारा निर्मित निक्षेप से, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय वाटर। ठीक है, बताएं, आंसर दीजिए इसका। आइए, बाह्य गमन मैदान आप पढ़े हैं, इसको अच्छे से मालूम है। क्या होता है जब हिमनद अपने अंतिम अवस्था में आ जाता है, हिमनद पिघलता है, तो हिमनद के बाद जब जो भी इसके अंदर मोरेन टेल्स या जो भी पत्थर बचे हैं, मिट्टी बची है, यह सब यह निक्षेपित करते हुए जल के रूप में, किस रूप में? जल के रूप में यहाँ से एक धारा, कई धाराएं निकलती हैं जो एक नाला बन जाती है, स्ट्रीम बन जाती है और आगे जाती है, यही नदी आगे बन जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आउटवॉश प्लेन है जिसकी चर्चा प्रश्न में हो रही है, ये किसके द्वारा बना? तो भूमिगत जल गलत हो गया, हिमनद द्वारा अपरदन से। अपरदन से कहाँ हो रहा है? ये तो निक्षेपण से हो रहा है। आउटवॉश प्लेन आपका डिपोजिशन से हो रहा है, इरोजन से नहीं हो रहा है, तो बी भी गलत हो गया, ठीक। इस तरह के विकल्प आपको देखना होगा। हिमजल से, ठीक है बात, हिमजल से, लेकिन यहाँ अपरदन या निक्षेपण नहीं दिया गया है। अब जल द्वारा निर्मित निक्षेप, तो क्या ये जल द्वारा है? नहीं, ये हिमनद इसका उत्तरदायी है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर सी ही इसका सही होगा, ठीक। सही उत्तर क्या है? सी है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है ना? अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? वायुमंडलीय, अब ये क्लाइमेटोलॉजी या वायुमंडल का क्वेश्चन आ गया। वायुमंडलीय जल निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी जल चक्र? वायुमंडलीय जल निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से
कौन सी जल चक्र को कार्यान्वित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर इनिशिएट्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कौन सी, यह प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया जल चक्र को क्रियान्वित करता है दोस्तों? तो जल चक्र का प्रारंभ कहां से आपने देखा? जल चक्र आप एनसीईआरटी किताबों में देखेंगे कि यह सागर में, सागर में वाष्पीकरण से शुरू होता है, वाष्पीकरण से शुरू होता है, फिर आप देखेंगे कि बादल बने, ये बादल स्थल पे आते हैं और यहाँ पे बारिश कराते हैं, ये जल सतह से या नीचे से आगे बहता है और पुनः किसी न किसी रूप में यह सागर में मिल जाता है, इसी को हम बोलते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। अब ये जल चक्र का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल चक्र क्रियान्वित कौन कर रहा है? तो यहाँ पर संघनन भी है, यहाँ क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है, संघनन जब जलवाष्प जल बन रहा है, ठीक, परिष्करण तो यहाँ पे है नहीं, डायरेक्ट तो वेपर बन नहीं रहा है, ठीक, अब सॉलिड से वेपर बनेगा तब सब्लिमेशन या परिष्करण होगा, वाष्पीकरण, यहाँ पे वाष्पीकरण भी हो रहा है, रिसाव, रिसाव अलग एक चीज हो गई, इससे कोई इसमें रोल उस तरह से की रोल नहीं है, ठीक। अब संघनन और वाष्पीकरण में आपको एक उत्तर छांटना होगा, फिर प्रश्न पे आना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक वाटर इनिशिएट्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जहां आपको हिंदी और अंग्रेजी वाले प्रश्नों में थोड़ा सा भी संदेह हो दोस्तों, वहां पर हमेशा आप इंग्लिश वाले वर्जन को देखिएगा, कोई सी भी परीक्षा आप दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे केवीएस दे रहे हो, आप हमेशा इंग्लिश वाले वर्जन को देखिएगा, जो इंग्लिश वाले वर्जन में क्वेश्चन दिया है वही उसी के हिसाब से आंसर लगाएंगे तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इंग्लिश में इनिशिएट्स मतलब प्रारंभ, आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के भी करने होंगे केवीएस के पेपर में, ठीक, प्रारंभ कौन कर रहा है, वाष्पीकरण, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, वाष्पीकरण, सी इवेपोरेशन, ये आंसर बन जाएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्न किस जीवी चक्र में होती है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल साइकिल? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस आपके जैवीय चक्र में होती है? जलीय चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन, चारों साइकिल्स आपके इकोसिस्टम में चल रही हैं दोस्तों, लेकिन इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को महत्व दे रहा है, वो उसका की पॉइंट बन रहा है? जलीय चक्र, यहाँ प्रकाश संश्लेषण की कोई बात ही नहीं थी, कार्बन चक्र, यहाँ आएगा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही, कार्बन की नहीं, ऑक्सीजन चक्र, एग्जैक्टली, इसमें तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही, तभी तो ऑक्सीजन है, आपको मालूम है जब पृथ्वी का प्रारंभिक जो आपका प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर बना था वहां पर आज की जैसे 21% ऑक्सीजन नहीं था, या बाद में हमारा वायुमंडल इस तरह ग्रो किया और जो ऑक्सीजन है इसमें कहीं ना कहीं उत्तरदायी है कार्बोनिफेरस काल के पीरियड का, जो आपका उष्ण और आर्द्र जलवायु था जिसमें वन वनस्पतियां पूरे पृथ्वी पर सघन मात्रा में बढ़ गई थी और उस कारण से प्रकाश संश्लेषण के कारण होते होते ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में आज इतनी पहुंची और उस कारण से आज यहाँ जीवन संभव है ना, हम उसमें एडजस्ट हैं, तो ऑक्सीजन चक्र यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। नाइट्रोजन साइकिल में भी प्रकाश संश्लेषण का कोई विशेष महत्व तो नहीं होता है ना, आइए क्लियर है ना, अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन से ठंडे जल की धारा है? जलमंडल का क्वेश्चन आ गया, ठंडी जल धारा, ठंडे जल की धारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड वाटर ओशन करेंट? ठंडे जल का चार धाराओं का नाम दिया, प्राय क्वेश्चन आता है जल धाराओं पे, क्वेश्चन आपको अक्सर मिल ही जाएगा दोस्तों, कनारी की धारा, क्यूरोशियो की धारा, दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, अलास्का की धारा। जलधाराएं पैदा क्यों होती हैं? जलधाराएं पैदा होती हैं एक समेकित रूप से जिसका रिजल्ट आता है जल स्तर में कमी, बदलाव,
उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की तरफ धाराएं बहती हैं। इनको सपोर्ट कौन करता है? वीरदुम, बढ़े चलो, वायु, प्रचलित वायु, पवन, जैसे विस्टर्लीज, जैसे आपका व्यापारिक पवन, ये इनको आगे बढ़ाती हैं। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में किनारी कुरुश्यो, यहाँ पर कम से कम दो महाद्वीप, दो महासागर लेना ही पड़ेगा, इसलिए एक सिंपल डायग्राम में बता देते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास आपका यहाँ पे अब केंद्रीय बल भी लग रहा है, तापमान की अधिकता से वायु, आप तापमान की अधिकता से जल गर्म है, गर्म जल ऊपर उठेगा, उससे भी वाटर लेवल ऊपर हो गया है ना, और साथ ही साथ यहाँ पर जो घूर्णन से अब केंद्रीय बल लग रहा है और जल स्तर, यहाँ पे ठंडी धाराएं आके मिलेंगी जिससे जल स्तर बढ़ेगा, और इसके बाद प्रचलित पौने ट्रेड विंड्स के कारण यह आगे की तरफ बढ़ेंगी। अब कोई भी महासागर हो, उदाहरण के लिए हम एक महासागर ले लेते हैं, ठीक दोस्तों। अब हम पहले अटलांटिक महासागर को लेते हैं, यहाँ पर आपकी एक ठंडी जलधारा उत्तर साई, एक ठंडी जलधारा दक्षिण साई, और विषुवत रेखीय क्षेत्र में इन दोनों के प्रभाव से जल स्तर में वृद्धि हुई, जिससे व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यहाँ पर दो जलधाराएं उत्तर और दक्षिण बही। उत्तर में जो है उत्तर विषुवत रेखीय धारा, क्या नाम, नॉर्थ इक्विटोरियल करेंट, और दक्षिण में जो है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, साउथ इक्विटोरियल करेंट, इस तरह से इनका नामकरण होता है ना। अब यहाँ पर नॉर्थ इक्विटोरियल करंट आया और ये दो जलधाराएं इनके क्या नाम है, तो अफ्रीका के उत्तरी तट में कनारी द्वीप से आने वाली धारा का नाम है कनारी, कनारी की धारा, और दक्षिण में बेंगुला की धारा। अब इनकी विशेषताओं में जहाँ ये जाती हैं वहाँ पे मरुस्थल बनाती हैं, वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न पे अभी हम केंद्रित रहते हैं, जब अध्ययन करेंगे तो होगा, साथ में जो जरूरी चीज है वो बताते चल रहे हैं। कनारी की धारा, बेंगुला की धारा, दोनों ठंडी जलधारा है, और ठंडी जलधारा की विशेषता होती है कि जहां से बहेगी अपने तट पर यह तापमान में कमी लाएगी, वायु ठंडी होगी, वायु ठंडी वायु बैठेगी, उठेगी नहीं, गर्म वायु उठती है, ठंडी वायु बैठती है, आपको ठंडी लगेगी तो क्या कूदोगे, नहीं, सिकुड़ जाओगे, ठंडी वायु भी सिकुड़ जाएगी, बैठेगी, और बैठने वाली वायु बारिश कभी नहीं कराती, बारिश नहीं कराएगी, सूखा पड़ेगा, लगातार लंबे समय तक सूखा मरुस्थल बना देगा। तो जहां भी ठंडी जलधाराएं बहती है दोस्तों, वहां मरुस्थल पाए जाते हैं, यहाँ भी सहारा मरुस्थल, यहाँ कालाहारी मरुस्थल है ना। तो कनारी बंगुला ठंडी जलधारा है, और उत्तर विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ये गर्म जलधारा है। अब ब्राजील के तट पे जब इनका एकत्रण होगा, अब यहाँ पे ब्राजील में तो चढ़ जाएंगे नहीं, ये कहाँ जाएंगे आज, बाकी इधर और इधर, ठीक है, इनके भी अलग अलग नाम है, एंटलीज जलधारा, ब्राजील के पूरब में पूर्वी ब्राजील जलधारा, ये भी गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम देखें प्रशांत महासागर में, तो यहाँ भी सेम उसी प्रकार से घटनाक्रम घटता है, यहाँ उत्तर से कैलिफोर्निया की धारा और दक्षिण से पेरू या हम्बोल्ट की धारा आती है, और इन सब के समेकित प्रभाव से यह प्रचलित पवन, व्यापारिक पवन के प्रभाव से नॉर्थ इक्विटोरियल करंट और साउथ इक्विटोरियल करंट के रूप में आगे बढ़ती हैं। अब यह इंडोनेशियाई द्वीप समूह के पास जब एकत्रित होंगी, यहाँ से कुछ धाराएं उत्तर जाएंगी, कुछ हिंद महासागर तरफ भी आएंगी, और बाकी ऑस्ट्रेलिया के पूरब की तरफ से दक्षिण जाएंगी।
तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है ना। अब यहां पर आप देखेंगे कि यह जो जल विभिन्न रूप से महाद्वीपों के कारण बढ़ते हुए जा रहा है, फिर एक हो जाएगा और यहाँ एक एकत्रीकृत रूप से एक जलधारा बनती है जिसका नाम है कुरुश युग की धारा, कुरुश युग की धारा। अब यहाँ पे गौरतलब यह है कि जो भी जल विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएगा अर्थात गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ जाएगा, वो जल गर्म होगा और लोग उसको गर्म जलधारा के नाम देंगे। जो भी जल ठंडे क्षेत्र से या ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाएगा वो ठंडी जलधारा कहा जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप विकल्पों को देखिए, अलास्का की धारा ये कहाँ पे भाई? अब यही जब आगे जाएगा तो एक ब्रांच इसकी उत्तर की तरफ जाती है और एक ब्रांच इसकी दक्षिण की तरफ जाती है। जो दक्षिण की तरफ गई यह ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र में जा रही है, या विश्व आपके ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, उसका नाम क्या है? कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। और दूसरा जो कि उत्तर की तरफ गई, ध्रुव की तरफ गई, अलास्का वाले क्षेत्र में गई, यह गर्म पानी रहेगा, इसका नाम रहेगा अलास्का की धारा। तो अलास्का की धारा कैसी हो गई? गर्म गर्म धारा हो गई, ठीक। अलास्का की धारा गर्म। क्वेश्चन क्या पूछा है? ठंडी धारा। दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये भी तो गर्म है, तीनों महाद्वीप में गर्म है, ये भी उत्तर नहीं बनेगा। क्यूरोशियो की धारा कहाँ पे है? जापान के पास, इसको काली धारा भी कहते हैं, नाम तो धारा है लेकिन विशेषता स्ट्रीम की है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम एंड करंट? ड्रिफ्ट करंट और तीन प्रवाह होते हैं दोस्तों। ड्रिफ्ट क्या होता है? वायु के कारण जब जल बहता है और इतने मंद गति से बहे कि वो उसको कर पाओ कि कितने इतना पानी बह रहा है, हाँ हमें ये चीज नहीं होता, उसका वायु होता, वायु उसको जैसे पछुआ पवन ले जा रही है, तो पैसिफिक ड्रिफ्ट, अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाएगा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बन जाएगा दक्षिणी महासागर में, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन यहाँ पर अलग चीज हो रही है, यहाँ पर क्या है? करंट में डिलिमिटेशन होता है, करंट में बाउंड्री दिखती है कि इसके बगल पानी रुका है और इतना पानी बह रहा है, वो महासागर के बीच में नदी कह सकते हो आप उसको, करंट्स को, जलधाराओं को। लेकिन जब दो या दो से अधिक जलधाराएं मिल जाती हैं, ज्यादा पानी रहता है, ज्यादा वेग रहता है, ज्यादा बड़ी धारा होती है, तो उसको स्ट्रीम कहा जाता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, जैसे कुरुश्यू की धारा, ठीक। तो शियो का नाम धारा है लेकिन विशेषता स्ट्रीम की है, जबकि यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर आप इसको क्या नाम देंगे? गल्फ स्ट्रीम का नाम ही स्ट्रीम, ठीक है ना। तो क्रोशियो ये भी गलत हो गया, ये भी गर्म जलधारा है, आंसर किनारी, आंसर किनारी, ठंडी जलधारा, ठीक है ना, क्लियर है। इसी बहाने और आप एक शॉर्ट में जान लिए कि कैसे इनका उद्भव होता है, कैसे ये बहती है, रिविजन हो गया आपको। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? गुआट, गुआट समुद्री उच्चावच की आकृति कहाँ विकसित होती है? गुआट ओशियन रिलीफ फीचर इज डेवलप्ड ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप की डीप ओशियनिक बेसिन की ओशियनिक ट्रेंचेस। महाद्वीपीय सेल्फ पे होती है, मैग्नेटट पे, कि महाद्वीपीय ढाल पे होती है, कि गंभीर महासागरीय बेसिन में होती है, या महासागरीय गर्त में होती है। दोस्तों गुआट एक विशेष महासागरीय उच्चावच है, गुआट एक विशेष महासागरीय स्थलाकृति है जो कहाँ पाई जाती है? या एबिसल प्लेन, या आपके गहन महासागरीय मैदान में, ठीक, आपके डीप ओशन बेसिन में। या प्रश्न में कहीं बॉटम भी दिया रहेगा, डीप ओशन बॉटम, या इसका एक नाम एबिसल प्लेन भी है, एबिसल प्लेन, ठीक, यहाँ पे पाया जाता है। किस प्रकार से होता है? यह एक ऐसा समुद्री पर्वत होगा कि जिसका शीर्ष सपाट हो जाएगा। क्यों सपाट हो जाएगा भाई? क्योंकि जल स्तर में
उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी आज वर्तमान में मान लीजिए जल स्तर ये है, लेकिन कभी जल स्तर यहाँ रहा होगा इतना काट देगा, जल स्तर यहाँ रहा होगा इतना काट देगा, जल स्तर यहाँ रहा होगा इतना काट देगा। अब जब इतना काट दिया होगा, इसके बाद जल स्तर में पुनः वृद्धि होगी, तो जल स्तर में पुनः वृद्धि होने के बाद आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से अब वर्तमान में यह एक कटा हुआ पर्वत माना जाएगा इसको, ठीक। इसका शीर्ष सपाट होगा, इस समुद्री पर्वत का शीर्ष सपाट होगा, कटा हुआ होगा। इस कारण से आप देख सकते हैं कि यह सागरी नितल के ऊपर, एबिसल प्लेन के ऊपर एक ऐसा समुद्री पर्वत होता है जिसका शीर्ष सपाट होता है, ठीक है ना। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, यह एक विशेष महासागरीय उच्चावच है दोस्तों, जो कहां और कहां पाई जाएगी, केवल डीप ओशियानिक बेसिन में नितल मैदान पे पाई जाएगी। ठीक, तो आइए अगले प्रश्न पे। यह महासागर का ही है, अक्सर एग्जामों में प्रश्न आता है गुआड से। अगला प्रश्न है, समुद्र की लवणता को कितने ग्राम प्रति इकाई समुद्री जल में घुलनशीलता के द्वारा दर्शाया जाता है। सैलिनिटी इज एक्सप्रेस एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम डिजोल्व इन सी वाटर पर, मतलब कितने ग्राम समुद्री जल के हिसाब से इसको दिया जाता है। तो इसका मापन है, फिक्स है कि प्रति 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पे कितना कितना ग्राम नमक है, इसी को लवणता या सैलिनिटी या खारापन जो भी आप कहिए, 1000 ग्राम है। और उसकी जो सिंबल है, इसी कारण से वह नीचे 2 जीरो माना जाएगा। 1000 ग्राम के कारण ही नीचे 2 जीरो रहता है। 1 जीरो है, 1 जीरो इसको बोलते हैं परसेंट, आप परसेंट बोलते हैं, सेंट मतलब होता है 100, पर 100, ठीक, पर 100 में नीचे 1 जीरो है, और पर 1000 है तो नीचे 2 जीरो रहेगा, पार्ट पर 1000 इसको कहा जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द वर्ल्ड हैज द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, बताएं जल्दी फटाक से आंसर इसका। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय घास की भूमि, शीतोष्ण कटिबंध वन, या शीतोष्ण कटिबंध घास की भूमि, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, या टेम्परेट फॉरेस्ट, या टेम्परेट ग्रासलैंड। दोस्तों आपको मालूम है कि बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कि एक क्षेत्र में कितना अधिक से अधिक विविध प्रकार के, नाना प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, फ्लोरा और फौना रहेंगे, उसको उतना ही रिच, उतना ही बड़ी बायोडायवर्सिटी की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पर गौरतलब है कि इतना ज्यादा रिचनेस आएगी कैसे, तो सिंपल सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण। जहां पर अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा वहां पर अधिक फ्लोरा और फौना होगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे अधिक होता है, वही उत्तर होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए आपको, चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको चाहिए जल, आपको चाहिए
सूर्य प्रकाश, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ ही रहे हैं, पूरी पृथ्वी पाया जाएगा, इसमें ही विषमता पाई जाती है। और जल और सूर्य प्रकाश कहाँ पर ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, अधिक है, कहाँ पर दोनों चीजें कहाँ अधिक पाई जाएंगी, वही आंसर होगा, और वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र, जिसको आप उष्णकटिबंध वर्षावन की संज्ञा देते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। घास का मैदान क्यों भाई, जब जल की मात्रा कम होती है तभी यह वृक्ष झाड़ी बनते हैं, और कम हो जाएगा जल की मात्रा तो घास बन जाते हैं, तो घास में कैसे बायोडायवर्सिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। टेम्परेट फॉरेस्ट, वहां तो तापमान कम है, वहां भी उतनी बायोडायवर्सिटी नहीं पाई जाएगी जितना कि रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दोस्तों क्लियर है ना, और क्यों है ये भी समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े फिर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के साथ किस देश की भूमि सीमा सबसे लंबी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया, बताएं जल्दी से आंसर। पहला है नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है चाइना। देखने में तो दोस्तों चाइना सबसे बड़ा दिखता है, सबसे ज्यादा सीमा चाइना के साथ बनती है, लेकिन नहीं, चाइना नंबर दो पे है, नंबर वन पे बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश सबसे लंबी लैंड फ्रंटियर बनाता है, कारण क्या है, कारण क्या है कि ये जो भारत बांग्लादेश की सीमा है यह एकदम सही नहीं है, एकदम सीधी नहीं है, यह अंदर बाहर ऐसे घूम रही है। अब अगर आप मीटर लेके नापते हुए चलोगे ऐसे ऐसे, तो उसका मात्रा, उसकी लंबाई चाइना वाले से अधिक है, 4 से भी ऊपर हो जाती है। ठीक है, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अलकनंदा, गौमुख, कैलाश या मानसरोवर। ठीक है दोस्तों, कैलाश श्रेणी के दक्षिण या मानसरोवर से आपके सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उसके और थोड़ा सा दक्षिण राकास झील से, राक्षस झील जिसको कहा जाता है, वहां सप्तज निकलती है, गंगा नहीं निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय के एक हिमनद से निकलती है, उस हिमनद का नाम है गंगोत्री, और उस गंगोत्री से जहाँ आउटवाश प्लेन, अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन हमने देखा था आउटवाश प्लेन, उसी तरह से जहाँ गंगोत्री हिमनद का, हिमनद गर्म जगह आकर पिघल गया और उसके छोटी छोटी सरिताओं के माध्यम से एक नाला बना लिए, फिर वो जल एक नदी बन जाएगी, वहीं पर चलती है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर एक है अलकनंदा भी, तो जैसा कि आप जानते हो, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में अलकनंदा दिया है, कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं तभी नाम पड़ता है गंगा। ठीक, अगर यहाँ प्रश्न होता कि गंगा नाम कहाँ, ठीक, गंगा नाम किस नदी के मिलने से पड़ा, तब तो अलकनंदा एक बार आंसर बन सकता, लेकिन प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ओरिजिनेट्स कहाँ पैदा होती है, और सबको मालूम है कि गंगा गंगोत्री या गोमुख से उद्गम होता है, भले उसका मेन स्ट्रीम भागीरथी के नाम से रहता है, और जब भागीरथी भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, तब नाम आता है गंगा का। ठीक है, लेकिन गंगा स्टार्ट हो रही है, प्रारंभ हो रही है आउटवाश प्लेन ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, अभी प्रश्न पहले आया था ना आउटवाश प्लेन, उसके आधार पर आउटवाश प्लेन, जो गंगोत्री का आउटवाश प्लेन है, संप्राय मैदान आउटवाश प्लेन, वहां से आपका गंगा
गंगा का उद्गम होता है दोस्तों, क्लियर है ना। किस तरह फंसाऊ क्वेश्चन ना फंसिएगा, कारण क्या है, प्रैक्टिस करिए, प्रश्न को बार बार पढ़िए, जहां दिक्कत आए प्रश्न पढ़िए, जहां हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा वाले प्रश्नों में भी आए तो दीजिएगा, इंग्लिश वर्जन वाला ही होगा, तो उसके हिसाब से आंसर दो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोस इन अ रिफ्ट वैली, यमुना नदी की लूनी नदी की नर्मदा नदी की साबरमती नदी, बताएं, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, इसको तो आंसर फटाक से दीजिए। यमुना वृहत मैदान भारत के, उत्तर भारत का वृहत नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया से बहती है वहां पर, यह तो आपका मैदानी भाग है, यहाँ पे रिफ्टिंग नहीं है, ठीक। लूनी कहाँ पे है, राजस्थान में, ये सागर में मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, रण में गायब हो जाती है, नहीं बहती। नर्मदा रिफ्ट घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा, भारत में पश्चिम वाहिनी नदियों, पश्चिम वेस्ट फ्लोइंग नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा, नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, और भ्रंश नर्मदा भ्रंश के उत्तर और दक्षिण में क्या है, नर्मदा भ्रंश के उत्तर में विंध्य पर्वत का दक्षिणी कगार है, नर्मदा के दक्षिण में सतपुरा पर्वत का कगार है, तो नर्मदा के दोनों तरफ आपके ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं। अब एक गंभीर चीज समझिएगा, इन ब्लॉक माउंटेन्स में आप देखेंगे कि जो विंध्य पर्वत है विंध्यन, इसका दक्षिण में तो ब्लॉक माउंटेन कह सकते हो लेकिन उत्तर में नहीं कह सकते, जबकि सतपुरा, सतपुरा पर्वत के दोनों तरफ भ्रंशन है, सतपुरा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश है और सतपुरा के दक्षिण में तापी भ्रंश है, सतपुरा के दोनों तरफ भ्रंश है और सतपुरा के दोनों ढाल ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, तो भारत में कौन ब्लॉक पर्वत को है? नर्मदा उत्तर क्या होगा, सतपुरा, क्योंकि उसके दोनों ढाल के आपके ब्लॉक पर्वत हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही ढाल है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, भारत पर जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर किस ऊंचाई की श्रेणी में बहती है, जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट द एल्टीट्यूडनल रेंज ऑफ व्हाट, दोस्तों ये जो जेट स्ट्रीम है, यही जेट स्ट्रीम शीतकाल में मैदानी क्षेत्र में बारिश कराती है, ठीक, आने वाले समय में 2-3 दिन में फिर उत्तर भारत में ठंडी आने वाली है, कारण क्या है, जेट स्ट्रीम से फिर से आपका पश्चिमी विक्षोभ आया है, पश्चिमी विक्षोभ लेकर यही आती है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जेट स्ट्रीम कहाँ बहती है, जैसे जेट स्ट्रीम यह आपके ट्रोपोपोज के पास बहती है, ट्रोपोपोज के पास, ट्रोपोपोज क्या है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर का ऊपरी सीमा, और ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल एक ऐसा वायुमंडलीय परत है जो कि विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचाई और ध्रुवों के पास कम ऊंचाई के क्षेत्र में व्याप्त होती है, ठीक है, विषुवत रेखा के पास अधिक ऊंची और ध्रुवों के पास कम ऊंची है, ऐसा क्या हुआ, क्यों कारण, क्यों, क्योंकि यहां पर क्षोभ मंडल में ही आपको मंडल में ही संवहनीय धाराएं आपको प्राप्त होंगी, और संवहनीय धारा मतलब कि वायु का गर्म होकर उठना, और वायु सब ज्यादा गर्म कहाँ है, विषुवत रेखा के पास, तो विषुवत रेखा के पास वायु ज्यादा गर्म है, ज्यादा ऊपर उठेगी, तो विषुवत रेखा के पास ही आपको सर्वाधिक ऊंचाई क्षोभ मंडल की प्राप्त होगी, इसके विपरीत ध्रुव जो सबसे ठंडे हैं यहाँ पर सबसे कम ऊंचाई प्राप्त होगी दोस्तों। अब इसके एल्टीट्यूड को देखा जाए तो माना जाता है 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, सर्वाधिक आपकी विषुवत रेखा के पास और न्यूनतम ध्रुवों के पास, एवरेज 12 किलोमीटर, एवरेज माने 12 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे विकल्पों को देखें, विकल्प है 5 से 8 किलोमीटर, ठीक है,
भारत के ऊपर पूछा गया है, वहां की बात किया गया नहीं। एक बार आप इन विकल्पों को देखकर उत्तर बताइए कमेंट के माध्यम से, जल्दी से उत्तर बताइए दोस्तों। पांच से आठ किलोमीटर पे होती इस बात हो समझ में आती है, 20 से 25 किलोमीटर इतना तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई नहीं है, क्षोभ सीमा कहाँ है, गलत हो गया। 15 से 20 ये भी 18 के भी ऊपर जा रहा है, और 9 से 13 ये आपके एग्जैक्ट दायरे में आ रहा है दोस्तों। तो आंसर इसका क्या होगा, दूसरा वाला, ठीक बी वाला। भारत में, भारत जो कि आपके उष्णकटिबंध में भी आता है, उपोष्णकटिबंध में भी आता है, और कश्मीर आपके शीतोष्ण क्षेत्र में आता है, तो 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से जेट स्ट्रीम आती हैं, जो भूमध्य सागर के ऊपर बनने वाले शीतकाल में चक्रवातों को खींच के लाती हैं, और भारत में इनका जब विभाजन होता है तो दक्षिणी जो शाखा है वो भारतीय क्षेत्र में इन पश्चिमी विक्षोभों को लाती है, जिससे पंजाब, क्रमशः पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या रहा इसका, बी वाला, सेकंड वाला। दोस्तों आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न है कि उत्तरी भारत के मैदान में तराई पट्टी किसके बीच अवस्थित है। तराई बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन बिटवीन, किसके बीच में, गिरिपद एवं शिवालिक, फुटहिल्स एंड शिवालिक। गिरिपद, गिरि मतलब पर्वत, पद मतलब पैर, तो पर्वत यानी हिमालय के पैर, और शिवालिक, शिवालिक कौन है, यही तो है, हिमालय का जो सबसे दक्षिणी है वही शिवालिक है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक का पैर ही तो गिरिपद हो जाएगा, उसके बाद जगह कहाँ बची। ये तो ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाने के लिए विकल्प बन गया, शिवालिक एवं भाभर, शिवालिक एवं भाभर। अब दोस्तों जो एलिवियल प्लेन, जलोढ़ मैदान है, इसके चार भाग होते हैं, इन चारों भागों में सबसे पहले आपका भाभर आता है, फिर बांगर आता है, फिर भाभर, तब तराई, फिर बांगर, और जो वर्तमान बाढ़ का मैदान होता है जहां इस वर्ष भी बाढ़ आई थी, उसको हम बोलते हैं खादर मैदान, जहां खाद की आवश्यकता ही नहीं होती है, बस बीज बो दो नदी किनारे कछार में, अपने आप वहां पे फसल होने लगेगी। ठीक है खादर। अब यहां प्रश्न है तराई के बारे में, तो तराई किसके किसके मध्य होगी, तराई गिरिपथ के पास पहले भाभर, भाभर, भाभर के उपरांत तराई, तराई के उपरांत जो इसका वर्तमान क्षेत्र है जहां बाढ़ इस बार भी आई थी, वर्तमान बाढ़, वर्तमान बाढ़, यहाँ पे नदी खुद ही खाद डिपॉजिट कर दी है, इसको खादर कहेंगे, खादर, खादर। और तराई और खादर के मध्य उत्तर के क्षेत्र में आपको एक अलग एल्यूवियल सॉइल का बेल्ट मिलता है, जिसको बोलते हैं बांगर। तो तराई किसके किसके बीच में हुआ, भाभर और बांगर के बीच में, सही उत्तर क्या होगा, भाभर एवं बांगर के बीच में। ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट हो पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पीर पंजाल श्रेणी हिमालय पर्वत के किस भाग में अवस्थित है। तो दोस्तों हिमालय के अभी तीनों देख लिया, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब पीर पंजाल किसको बोलते हैं, तो ये जो मध्य हिमालय है इसी को, या पश्चिम की तरफ आप बोलते हैं पीर पंजाल। ठीक, पीर पंजाल, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय क्या होता है, जो हिमालय बनने के पूर्व बने हैं और हिमालय के उत्तर में हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, कैलाश ये सब रेंजेस आते हैं, उनको पार हिमालय बोलते हैं। शिवालिक जो हिमालय के तीन ही श्रेणियों में सबसे बाद में बना, सबसे दक्षिण में है, शिवालिक, बृहद हिमालय, हिमालय के तीनों श्रेणियों में सबसे पहले बना, सबसे ऊंचा। ठीक है, आंसर ए, मध्य हिमालय। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडकारण्य भारत के किस भाग में अवस्थित है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया
दंडकारण्य इज सिचुएटेड, दंडकारण्य क्या है, एक पठार, तो जंगल भी कहते हैं, रामायण में भी इसका वर्णन आया है। दंडकारण्य पठार यह आपके छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो कि भारत के किस भाग में है, उत्तर पूर्व, नहीं उत्तर पूर्व तो नागालैंड मिजोरम त्रिपुरा सेवन सिस्टर्स वहां पे आ गया, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का तात्पर्य हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट, ये भी नहीं, मध्य, यस, उत्तरी, नहीं, आंसर क्या है, मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, दंडकारण्य पठार, क्लियर है, चलिए आगे बढ़े फिर। अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर भारत के जलवायु प्रदेशों में निम्नलिखित में ए एस के द्वारा कौन सी जलवायु प्रदर्शित की जाती है, इन द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन रीजन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन कोपेन स्कीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज प्रेजेंटेड बाय द टर्म ए एस, कैपिटल ए, स्मॉल एस। तो कोपेन साहब के हिसाब से कैपिटल एस का तात्पर्य हो गया उष्णकटिबंध, और स्मॉल एस का तात्पर्य हो गया कि समर्स ड्राई, ठीक, एस का मतलब हो गया जो ग्रीष्मकाल है यह शुष्क होगा, सूखी होगी। अब भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर ग्रीष्मकाल सूखी है और वह विषुवत रेखा के करीब हो, उष्णकटिबंध में हो, तो ऐसा क्षेत्र दोस्तों आपको ज्ञात है कौन सा है, कोरोमंडल तट। यहाँ पर ग्रीष्मकाल में जो मानसून जा रहा है, क्या मानसून जा रहा है, साउथ वेस्ट मानसून, ये साउथ वेस्ट मानसून यहाँ बारिश नहीं करा रहा है, लेकिन शीतकाल में आने वाले, शीतकाल में जो आपका लौटता मानसून है, यही आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में, उत्तर पूर्व मानसून के रूप में जलवाष्प ले लेगा, और जब ये कोरमंडल तट पे पहुंचेगा तो यहाँ वर्षा कराएगा शीतकाल में, ग्रीष्मकाल सूखी रहेंगी। तो कौन सा क्षेत्र है आपका, यस, उष्ण सवाना, मानसूनी शुष्क ग्रीष्म, मानसूनी शुष्क शीत, या स्टेपी जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों ए एस जो है इसको रीजन न पूछ के उस रीजन की विशेषता के रूप में पूछा है, ट्रॉपिकल सवाना, बारिश कम है तो क्या पेड़ होंगे, नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो घास के मैदान हो जाएंगे, मानसून भी ड्राई समय, मानसून तो अलग ही वर्गीकरण में चला जाएगा, ड्राई विंटर्स, ठीक, स्टेपी रीजन। अब मानसूनी क्षेत्र में ही आ रहा है, ठीक, मानसूनी क्षेत्र में ही आ रहा है। अब इस मानसूनी क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र तो मध्य में आ गया आपका, इसमें कौन है, ड्राई समर कि ड्राई विंटर, तो एस मतलब समर ड्राई, सीधे सीधे आपका उत्तर मिल गया, इसका आंसर बी होगा, मानसूनी शुष्क ग्रीष्म, क्योंकि एस की बात कर रहा है, डब्ल्यू होता तो ड्राई विंटर की बात होता, वो आपका सवाना क्षेत्र आ जाता, ठीक, ए डब्ल्यू, सवाना को ए डब्ल्यू कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, वन की बात नहीं कर रहा है, पर्वतीय वन की बात कर रहा है, माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, असम में कि अरुणाचल प्रदेश में कि त्रिपुरा में कि बिहार में। अब दोस्तों पर्वत देखा जाए तो कुछ पहाड़ियां त्रिपुरा में भी हैं, कुछ असम में भी हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी पहाड़ियां पर्वत हैं, लेकिन ज्यादा कहाँ है, तो ज्यादा आपका उत्तर बनने योग्य अरुणाचल प्रदेश बनेगा, ठीक है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है और नंबर दो पे अरुणाचल प्रदेश आता है, इसी प्रकार सर्वाधिक वन की प्रतिशतता यद्यपि मिजोरम में है लेकिन नंबर दो पे अरुणाचल प्रदेश आता है, और सघन वन की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी भाग ही आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश आपके पर्वतीय वन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है दोस्तों, क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किस वर्षा अंतराल के अंतर्गत आर्द्र पर्णपाती वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, द मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट आर मोर प्रोनाउंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेनफॉल रेंजेस इन इंडिया। तो भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि जो डेसिड्यूस पर्णपाती वन होता है, पर्णपाती वन, इसी को मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, मानसून वन भी कहते हैं, मानसून वन,
मानसूनी वन, ठीक। क्या विशेषता है? पर्णपाती, पत्ते गिरा देगा। जब शीतकाल से ग्रीष्म काल आएगा तो अपने इवेपो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए पत्ते शट डाउन गिर जाएंगे। अब यह शुष्क भी होता है और आर्द्र भी होता है। जहाँ वर्षा की मात्रा कम हो गई वो शुष्क आंतरिक भाग में, और जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है बिहार बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, वहां पे आर्द्र हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ प्रश्न है आर्द्र में, आर्द्र में जहां पर यह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, तभी तो आर्द्र होगा, वेट होगा ना, वेट या मॉइस्ट। सही उत्तर क्या होगा? तीसरा, सी वाला, 200 से 300 सेंटीमीटर। विशेषता क्या होगी? एकदम चौड़े पत्ते रहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षित जीवन क्षेत्र गारो पहाड़ियों में स्थित है? गारो पहाड़ियों में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन गारो हिल्स? गारो पहाड़ियों में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? पंचमढ़ी की नीलगिरी की नोकरेक या अगस्ता मलाई, है ना? आपको मालूम ही है अगस्ता मलाई साउथ इंडिया, साउथ इंडिया केरल तमिलनाडु बॉर्डर पे, केरल ठीक, नीलगिरी भी साउथ इंडिया, केरल कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर पे ठीक, पंचमढ़ी एमपी, नोकरेक ये आपका सही उत्तर, नोकरेक ठीक, नोकरेक आपके मेघालय में, गारो पहाड़ी में मेघालय। और मेघालय में तीन पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया, तो गारो में नोकरेक आपका पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किस का दूसरा नाम है? रेगुर सॉइल इज अनदर नेम फॉर द विच टाइप ऑफ सॉइल? जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा, शुष्क मृदा या काली मिट्टी? एलुवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल या ब्लैक सॉइल? किस मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? गुड इवनिंग सुरेश जी। अब रेगुर मिट्टी यह अपने आप एक इंडियन नेम है, किसके लिए? काली मृदा के लिए। ब्लैक सॉइल को इंडिया में रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, इसको एक कपासी मृदा कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, कपासी मृदा, इसको लावा सॉइल भी कहा जाता है, लावा सॉइल लावा मिट्टी भी कहा जाता है। विशेषता क्या है? यह दोस्तों बेसाल्टिक लावा का जो निक्षेप हुआ था उसके अपक्षय अपरदन के कारण यह मिट्टी बनती है, जिस कारण से इसका रंग गाढ़ा है, काला है, और काला रंग होने के कारण इसको काली मिट्टी नाम दिया गया है ना। लावा कौन सा लावा? बेसाल्ट। बेसाल्ट कब उद्गार हुआ था? क्रेटेशियस काल में, क्रेटेशियस काल में जो भारत में लावा का उद्गार हुआ था, इसी लावा पठार, लावा निक्षेप के अपक्षय अपरदन, वेदरिंग और इरोजन, अपक्षय अपरदन के कारण जो मृदा बनी इन चट्टानों से, अपक्षय अपरदन से मृदा बनी, क्या है? छोटे छोटे कण ही तो चट्टान की मृदा बनेंगे। अब इनको क्या नाम दिया गया? रंग कैसा है? रंग गाढ़ा, क्योंकि बेसाल्टिक सॉइल था, या काला, इससे नाम काला, ब्लैक सॉइल या काली मृदा, काली मृदा लावा मृदा या रेगुर नाम पड़ा। और इस पे चूंकि आपकी कपास की खेती विशेष रूप से इसी मिट्टी पे होती है भारत में, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। और जहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, उन सिंचाई की व्यवस्था वाले क्षेत्र में यहाँ पर गन्ने की भी बहुत अच्छी फसल होती है। गन्ने की फसल काली मिट्टी के सिंचित क्षेत्रों में बहुत अच्छी होती है। और मजे की बात कि जलोढ़ मृदा उत्तर भारत में है, काली मृदा दक्षिण भारत में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ज्यादा पड़ता है, और यहाँ पर जो गन्ने की फसल होगी दोस्तों उनमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि वहां गर्मी है, वहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ज्यादा है। अब उससे क्या होगा? सुक्रोज की मात्रा अधिक है, तो ये महाराष्ट्र का गन्ना है, साउथ इंडिया का कोयम्बटूर क्षेत्र में जो काली मिट्टी है वहां का गन्ना अधिक मीठा होगा, और उसमें तुलनात्मक रूप से चीनी बनाओगे तो उससे चीनी की मात्रा भी अधिक होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? कपासी मृदा या लावा सॉइल या काली सॉइल, इतने नाम से रेगुर सॉइल जानी जाती है दोस्तों। क्लियर है? चलिए
अगले क्वेश्चन पे। चलिए आज के लिए इस सेट में इतना ही क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चंस। अब इसको जो है आप अच्छे से देख लिए। अब मजे की बात बताता हूँ, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। ठीक, आज पहला सेट था, इसमें सारे टॉपिक कुछ कुछ क्वेश्चन लेके चला गया और सारे एग्जाम KVS एग्जाम में PGT एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे दोस्तों। अब इससे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आते हैं। इन्हीं आधार पे टॉपिक वाइज टेस्ट अब हम कल से स्टार्ट करेंगे और जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो कंप्लीट टेस्ट लेके आपका टोटल एक होल सोल प्रिपरेशन भी प्रैक्टिस के माध्यम से कराया जाएगा दोस्तों। तो स्टे ट्यून्ड, साथ में बने रहिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।